नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम खड़े हैं आहुआ डांग के घोड़ी गांव के अंदर। आज घोड़ी गांव के अंदर माँ अम्बे माता जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। સદાય ની માટે આ ગામનું કલ્યાણ કરજો હું। સંસ્કૃતિ, આપણું ધર્મ, આપણા વડીલોની ધર્મ ને આપણને સાચવવાના છે। ચપ્પલ પછી કપડા અને જમાઈડું પણ सनातन संस्कृति पुनः उत्थान हेतु यहाँ डांग आहवा में माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करके जिस गांव के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है और एक आस्था का प्रतीक के आधार पे कोई मंदिर नहीं है तो मंदिर बना रहे हैं हम। फ्रेंड भाई, हमने सुना है यहाँ मतलब सब संस्थाएं इकट्ठा हुई है। भारत में पहली बार होगा मतलब कि इतनी सारी संस्थाएं मिलके आज ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। संतों की कृपा से और भगवान की कृपा से आज हमारे साथ उमिया माता मंदिर संस्था, स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्था, गौ माता वाली संस्था, राधा स्वामी परिवार के सब लोग मिलके उन्होंने ऐसा जाना है कि अपने ही गुजरात में, अपने ही डांग जिला के अंदर यदि अपने हिंदू और सनातन धर्म का यही हाल है तो आओ सब मिलके अपने धर्म को उजागर करें और अपने सनातन धर्म को पुनः उत्थान करें। उसके हेतु सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश भाई चिलदास पटेल सिद्धपुर और हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़े हुए हैं और सत्संगी है। हम यहाँ डोंग आवा में करीबन 3-4 साल से यहाँ आते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ डोंग आवा में एक ऐसे जो अपना हिंदू संस्कृति है उसको तोड़ने के लिए यहाँ के जो पारसी और क्रिश्चियन है वो यहाँ ये हिंदू संप्रदाय को ख़त्म करने के लिए उसकी सब साजिश चला रहे हैं। और ये साजिश को हमने ऐसा सुना था कि अभी ये साजिश तोड़ने वाले बापू थे वो आसाराम जी बापू थे, तो उसके पीछे उसको ऐसा लगा कि भाई ये जो आसाराम बापू अपनी जो हम साजिश कर रहे हैं, सबको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसमें आड़ खिली रूप है, तो सबको ऐसा लगा कि भाई आड़ खिली रूप जो आदमी है उसको एक साइड में हटा दो, तो उसको साजिश करके कुछ भी करके आज उसको एक जगह पे बंद करके रखा है। और ये बापू ने अंदर बैठ के भी सब परिवार को बोला कि मैं नहीं हूँ तो भी हाजिर हूँ, ऐसा समझ के आप लोग सब जाओ और सब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे आप जाओ और मेरी वहाँ पे कृपा होगी और आप सब करो। तो ये बापू के जो परिवार वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बापू परिवार को लेकर चल रहे, और समाज के सब सर्वमंगल ग्रुप है और सब उमिया माता के ग्रुप है, हमारे जैसे सब राधा स्वामी वाले ग्रुप है, सबको लेके साथ में चल रहे हैं। कोई बापू का प्रचार नहीं हो रहा है कि भाई बापू के संप्रदाय में आओ, और हिंदू धर्म के लिए सब जमुन हो रहे हैं। ये अंबाजी माता का जो मंदिर बन रहा है वो हम यहाँ 1-1.5 साल के पहले यहाँ आए थे, देखा गाँव में कि भाई गाँव में सब क्रिश्चियन का 3-4 चर्च हो चुका है, यहाँ हिंदू धर्म का कोई एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, तो हमने सोचा चलो यहाँ सब गाँव लोगों को सब इकट्ठा किया और उसको बोला भाई यहाँ मंदिर बनवाएंगे, तो बोला बनवाओ, हम उसकी सेवा पूजा करेंगे और धर्म को हम लाएंगे और जो उसमें गए उसको भी वापस लाएंगे, तो इसके लिए यहाँ मंदिर बनवाया है। आज 1.5 साल के बाद 18-10-2019 को आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। यहाँ काफी मात्रा में 2000 मात्रा में सब
लोग इकट्ठे हुए हैं और सूरत के आजू बाजू उत्तर गुजरात के सब लोग यहाँ आए हैं और देख रहे हैं, तो सबको भी लग रहा है कि चलो यहाँ ये डांगा हवा में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको अटकाए। और सब लोग हमको बोल रहे हैं, मेरे पास फोन नंबर ले रहे हैं कि और आगे जाना है तो हमको भी साथ में लो। हाँ, सब संस्थाएं मिलके यहाँ ये सब काम कर रही है। हिंदू मैं अमृत भाई ज्योतिराम भाई पटेल बिलिया सूरत में, हमारा एक मंडल चल रहा है गांव का बिलेश्वर योग मंडल, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और 1000 से ऊपर हमारा सभ्य है। मेरे गांव की सूरत में लगभग 4000 पब्लिक है, तो उसमें भी हरिआम मंडल जो साधक आसाराम बापू के साधक परिवार है वो भी सब मिलजुल के सब हमारे साथ में ही है। उन लोगों को वो काम देख के बहुत आनंद आता था और सब लोग उसको साथ दे रहे कि बापू ने जो उसको प्रेरणा दी, बापू ने आज्ञा की, ये खरेखर उसको अनुयायी ने बापू के प्रेरणा को जिला है, कर्तव्य दिखाया है, खाली बात सुनकर बातें करके नहीं चलाया है। मतलब ग्राउंड लेवल पे वो लोग कार्यक्रम चल रहे हैं, जो जहाँ मंदिर की जरूरत है, जहाँ हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, वहाँ जो वटार प्रभु से हिंदू धर्म को खंडित किया जा रहा है वहाँ जरूर है। वहाँ बापू ने भाई उसको बोला था कि वहाँ जाके सेवा करो, तो वो लोग खरेखर यहाँ आके इतनी सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को वो मान से इधर बोला थे भाई आप आओ साथ को, हमारी भी फर्ज बनती है कभी उसको उन लोगों को काम में उत्साह बढ़ाए। तो हम पूरे गांव वाले पूरे संप्रदाय वाले सब सब उसके साथ में है कि वो काम कर रहे हैं वो उत्थान का, वो भली बात ही बहुत अच्छा काम कर रहे, तो उसमें हमारा सपोर्ट है, इसीलिए हम यहाँ खुद आए हैं, हमारे फैमिली के साथ आए हैं सब लोग उसको बढ़ावा करने के लिए। मेरा नाम राजू भाई है, हम लोग गौ सेवा मंडल चला रहे हैं, विश्व माता गौ सेवा मंडल। तो हम समझ लो कि भी गौ सेवा मंडल चला रहे 3-4 साल से और उनकी प्रेरणा हमको मिली है हमारे बड़े भाई समझो या हमारे मित्र समझो प्रवीण भाई, जो कि जो आसाराम जी बापू के साधक है, तो उनसे हमको प्रेरणा मिली। तो हमने गौशाला गौ सेवा मंडल बनाया और महीने दो महीने में एक बार गौशाला में जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो गौशाला में गायों को चारा खिलाते हैं, फिर वहाँ पे अपना जो पब्लिक को जो ले जाते हैं उनको गाय माता की अपने हिंदू धर्म की सब जो ज़रूरत है वो सब सत्संग करते हैं और ये सब सेवा कार्य हम चलाते हैं बराबर। तो जो अभी भी सेवा चलती है, इतनी सेवा बढ़ी है कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई आसाराम जी बापू निर्दोष, ऐसा बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, अपने आप सबको मालूम पड़ा कि भाई बापू जी निर्दोष है, बस खाली ये सेवा कार्य से ही सबको मालूम पड़ गया है, इसके लिए हम लोग सेवा में जुड़े हैं, बस जय गौ माता की। राजू भाई मेरा नाम, राजू भाई उमियाधाम बाटेना मंदिर, मंदिर के ट्रस्ट हाँ, आज ये मंदिर बनाया किस उद्देश्य से बनाया? हम यहाँ कुछ भाइयों के साथ आते थे घूमने, ये लोग यहाँ कुछ धार्मिक वटार वृत्ति अटकाने का काम कर रहे थे, तो एक दिन हमने देखा कि भाई इधर कुछ करने जैसा है, तो हमने मंदिर की तरफ से यहाँ उनको दरख्वास्त रखा कि भाई आप एक छोटा सा मंदिर हमारे संस्था की तरफ से बनाओ और यहाँ इस मंदिर के आधार से लोग इधर हिंदू धर्म की प्रवृत्ति में लगे और दूसरे वटार वृत्तियों से बचे, वही आशय से ये मंदिर बनाया। मेरा नाम भरत भाई पटेल है, मैं स्वामीनारायण मूल संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन इतना बोलता हूँ कि भाई सूरत से खाली 100 किलोमीटर के विस्तार में डोंग हवा का एरिया है, वहाँ धर्मांतरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा चलती है, तो मैं बाकी हिंदू संस्थाओं को उजागर करना चाहता हूँ कि भाई आप सब लोग भी डोंग हवा में एक बार चक्कर लगाए देखे। डोंग में मेरे हिसाब से 400 पक्के चर्च है, 40 हिंदू मंदिर नहीं है, तो सबको ऐसा अंदर से हर हिंदू संस्था को अंदर से होना चाहिए कि हम डोंग हवा में जाए और हमारा भी एक वहाँ मंदिर बनाए और हम हिंदू सब लोग हिंदू ही बने रहे, इतना कोशिश करें। प्रवीण भाई क्या कहोगे लोगों से बात की और संस्थाओं से बात की, बोले संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से मतलब बिलिया समिति जो काम कर रही है काफी सराहनीय है, मतलब तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे मतलब ये पहुँचे आओगे डांग क्षेत्र? देखो यहाँ आसाराम जी बापू के शिष्य पिछले 14 साल से अरुण भाई यहाँ काम करते थे, तो हमको सेवा करने की इच्छा थी, तो अरुण भाई ने बोला कि अगर सेवा करनी हो तो वहाँ आओ। यहाँ आए तो यहाँ इतनी सारी चर्च है और यहाँ हिंदुओं का तो कोई विशेष मंदिर नहीं है, तो हमने सारी संस्थाओं से बात की, तो मैं बापू का शिष्य होने के बावजूद भी उन संस्था वालों ने ये बोला कि अगर ऐसा काम है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, और यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि वास्तव में क्रिश्चियन धर्मांतरण बापू रोक रहे थे,
तो उनके हिसाब से बापू जी के ऊपर वाया क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा कोई षड्यंत्र किया गया है और झूठे केस में फंसाए गए, इसीलिए वो जेल में, बाकी पूर्ण निर्दोष है वो। मतलब आज 6 से 7 संस्थाएं मिल के कार्य कर रही है। हाँ, 6-7 संस्था, वो भी मतलब एकदम भाईचारा से आते हैं, और खाली आते नहीं है, खुद अपना भेंट दान भी देते हैं और एकदम अपन गले से गले मिलके काम करते हैं, किसी के अंदर भेदभाव नहीं है। मेरा नाम मीरल प्रकाश कुमार पंड्या है, मैंने सिद्धपुर पाठशाला से कर्मकांड का अभ्यास किया हुआ है और फिलहाल पाटन उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी से भी मैंने ज्योतिर्ज्ञाता और भूषण करके गोल्ड मेडल लिया हुआ है। मैं अभी सूरत में कर्मकांड और एस्ट्रोलॉजी का व्यवसाय करता हूँ। आज यहाँ किस लिए? मैं एक्चुअली में संत श्री आसाराम जी बापू, उनके जो समर्पित साधु और सेवादारी जो लोग हैं, वो गांव-गांव घूम के एक ऐसा गांव ढूंढ के निकालते हैं कि जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा हो, और धर्मांतरण यानी क्रिश्चियन लोग हमारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हो, तो वहाँ पे जाके ये लोग की ऐसी सेवा है कि खुद के पैसे लगा के मंडल बना के भगवान की प्रतिष्ठा करवाने की और भगवान का मंदिर बनाने का, गांव से 1 रुपया वो लोग लेते नहीं हैं, केवल सेवा के तौर पे ही ये मंदिर बनाते हैं। तो मैं ये मंदिर में, मैंने दक्षिण गुजरात का, यहाँ का कहने का मतलब है, कॉन्ट्रा की वन टाइप ऑफ रखा हुआ है कि भाई मैं यहाँ पे सेवा के तौर पे आऊँगा, मैं भी यहाँ दक्षिणा की अपेक्षा से नहीं आता हूँ, केवल मेरा उद्देश्य यही रहता है कि भाई मेरे से खुद से भी जो बन पड़ेगा वो मैं सेवा करूँगा। तो आज घोड़ी गांव में उन लोगों ने भगवान आद्यशक्ति जगदम्बा का मंदिर बनाया हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं आया था, और इन लोगों ने यानी संत श्री आसाराम जी बापू के समर्पित साधु और जो सेवाधारी व्यक्ति है, उन्होंने ये गांव को प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिर सुप्रत किया, और सुप्रत करने के बाद गांव लोगों को खाना भी खिलाया और भंडारा भी किया, बहुत खूब ये आयोजन है। आपने बताया आसाराम जी बापू के भक्त लोग ये करते, तो और संस्था है और जो हिंदूवादी संगठन है, उनको क्या संदेश दोगे? मेरा सभी संगठनों से यही एक खाली हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि भाई सभी आओ, यहाँ पे डांग जिले में जो धर्मांतरण हो रहा है वो हिंदुओं को बचाओ, नहीं तो आगे जाके ऐसा होगा कि हम लोग ये विस्तार में हिंदू को ढूंढेंगे कि भाई हिंदू कहाँ है, लेकिन कोई बचेगा नहीं, और केवल क्रिश्चियन और मुस्लिम संप्रदाय रहेंगे, तो आगे जाके ऐसा होगा कि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त हो जाएगी। तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए आपसे जो बन पड़ता है वो प्रयास आप करें। आज अम्बे माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था घोड़ी गांव में। घोड़ी गांव बहुत ही गरीब गांव है, यहां पर 80% क्रिश्चियन लोगों की बस्ती है, कुछ थोड़े बहुत परिवार जो हिंदू धर्म को मानने वाले रह गए थे, उनके आग्रह से ये मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? मतलब निश्चित रूप से मंदिर का उद्देश्य ही है कि धर्म की रक्षा हो, चूँकि तेजी से ईसाई धर्म बढ़ रहा है, उनका उद्देश्य है कि पूरे देश को कैसे खा जाएं कुल मिलाकर, और वो डांग को तो पूरे आक्रमण के साथ लगे हुए हैं कि इनको कैसे ईसाई स्थान ख्रिस्ती स्थान बनाएं, तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये मिशन। बिलिया समिति के प्रवीण भाई ने हमको बताया कि हमने उनको पूछा कि आपको कौन यहाँ लेके आया, तो उन्होंने बताया कि अरुण भाई लेके आए, तो आपको यहाँ कौन लेके आया, मतलब ये सब करने की प्रेरणा, और किस के कहने पे आप ये सब कर रहे हैं? देखिए, हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से ही हम यहाँ पर आए थे, और उनके आदेश से ही हमने ये सारा सेवा कार्य किया है, और पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। मतलब कितने मंदिर बनाए अभी तक? और अभी तक हमारे 7 मंदिर बन चुके हैं, उद्घाटन हो चुके हैं, और 7 मंदिर उन जगहों पर बनाया गया है जहाँ पर 80-90% क्रिश्चियनों की मेजोरिटी है, और उसके बाद अभी इस अभियान में हमने ये चिंगारी लगाई, लेकिन ये अब दावानल बन चुका है। अब कई हिंदू संगठन मिलकर यहाँ पर आहवा डांग में 300 से अधिक मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मतलब 300 मंदिर पूरे, 300 से अधिक मंदिरों का हर गांव में मंदिर बनाने का संकल्प अन्य हिंदूवादी संगठनों ने इस प्रेरणा से जुड़ गए हैं और बना रहे हैं। आज हमने देखा 6 से 7 संस्थाएं मतलब जुड़ी थी, स्वामीनारायण संस्था है, राधा स्वामी संस्था है, उमिया माता मंदिर है, मतलब भारत में पहली बार ये देखने को मिला कि 7 से 8 संस्था मतलब हिंदू संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब? उनको ये लग रहा है कि परम पूज्य बापू जी का, पहले उन्होंने मीडिया में उनका कुप्रचार देखा था,
लेकिन अब जब वो ग्राउंड में आकर किसी तरह पहुंच रहे हैं कि सेवा कार्यों को देख रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में बापू जी के लोग कैसे कार्य कर रहे हैं साधकों के द्वारा, तो उनका अब अंतःकरण ही साक्षी हो गया है कि वास्तव में बापू जैसे महान संत इतने गहराई में आकर इतना सारा सेवा कार्य कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उनके साथ जुड़े, हिंदू धर्म की सेवा क्यों ना करें। और इसी भावना के साथ वो सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बापू जेल जाने के बाद ये जो कार्य चल रहे हैं उसमें कमी आई क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं पहले की अपेक्षा, पहले केवल साधक ही सेवा कार्य किया करते थे, लेकिन अब साधकों के सेवा कार्यों से प्रेरित होकर अन्य हिंदू संगठन के भाई बहन, यहाँ तक कि जो किसी भी संगठन में जुड़े हुए नहीं हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, वो लोग भी जुड़ गए हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज यहाँ पर आप ये देख रहे हैं भंडारा हो रहा है, भोजन चल रहा है, हजारों लोगों का यहाँ पर प्रसाद वितरण हुआ। कल वापस गरीब बच्चों को लड्डू बांटना है 2000 बच्चों को। परसों 2 टन बूंदी मोहन थाल की प्रसादी पूरे डांग में वितरण करना है, और वो भी बांटने वाले कोई बापू के साधक नहीं है। बापू के साधकों की सेवा से प्रेरित होकर अन्य युवा है, वो युवा मिलकर अपने अपने पॉकेट मनी से, हम कह दें कि अपने सोसाइटियों से इकट्ठे करके सार्वजनिक रूप से उन्होंने बीड़ा उठाया कि अब हमें भी इस अभियान में जोड़ना है, हमें भी धर्म की रक्षा करनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा आज आहुआ डांग के घोड़ी गांव विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू, साधक परिवार बिलिया और भी स्वामीनारायण संस्था है, राधा स्वामी संस्था है, गौ सेवक है, मतलब 6 संस्थाओं ने मिलके आज यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और भंडारा किया, मतलब गरीब लोगों को इन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद उनको कपड़े बांटे गए, चप्पलें भी दी गई। और इन लोगों का मेन उद्देश्य यही रहता है कि ये जो भोले भाले गरीब आदिवासी लोग होते हैं उनको बहला फुसला के ईसाई मिशनरिया का उनको कन्वर्ट करके उनको हिंदू में से ईसाई बनाती है, तो ये बापू के भक्त उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाते हैं। काफ़ी सारी दूसरी संस्था के लोगों से भी हमने बात की कि आप लोगों को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने यही बताया कि संत आसाराम जी बापू के भक्तों द्वारा हमको ये प्रेरणा मिली और वो लोग ही हमको यहाँ लेके आए। अरुण भाई ने भी जिक्र किया ये 7वें मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसके बाद हमारा लक्ष्य ये है कि 300 मंदिर आहुआ डांग के आजू बाजू के इलाकों में ये बापू के भक्त और दूसरी संस्था मिल के बनाएंगे। और वाकई नहीं है, काम सराहनीय है, क्योंकि बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनके भक्तों द्वारा आज भी समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है और धर्मांतरण रोक के उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाके मतलब घर वापसी करवाने का काम आज भी निरंतर जारी है। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, आहुआ डांग से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।